आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमसे पूछा विस्थापन और समय के बीच निम्न ग्राफ प्राप्त होता है, ठीक है। ये आपका विस्थापन और समय के बीच ग्राफ है, यानी ये विस्थापन है, ये समय है, ठीक है। इसके संगत सही वेग समय ग्राफ में बताना है क्या होगा, ठीक है। तो जो इस तरह का परवलयकार दिख रहा है आपको, इस परवलय का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, वो होता है वाई बराबर एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तब होता है जब वो ऊपर ही तरफ जाए, पर नीचे तरफ जा रहा है तो नीचे तरफ जा रहा है, इसको आपको एक माइनस से गुणा करनी पड़ेगी। तो ये आपका क्या हो गया, इस ग्राफ का समीकरण हो गया आपका ए बी सी कुछ होगा, ठीक है। हमें नहीं पता कितना होगा, पर ये हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि इस समीकरण को इसे दिखाया जा सकता है। वाई की जगह कौन है हमारा, वाई की जगह हमारा विस्थापन है, तो हम एक्स टी बोल देते हैं, ठीक है। और एक्स जगह कौन है, एक्स अक्ष में कौन है हमारा, समय है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। तो ये आपका इस परवलय का समीकरण आ गया, ठीक है। आपको क्या निकालना है, वेग निकालना है। तो वेग के लिए क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी टी बराबर माइनस 280 प्लस बी। ये ऐसी कुछ समीकरण आ जाएगी, मतलब कि माइनस 280 माइनस बी, ठीक बात है। तो ये एक रेखा की समीकरण दिख रही है, और इसका जिसकी प्रवणता कैसी है, ऋणात्मक है, मतलब कि एक ऐसी रेखा जो नीचे की तरफ गिरे। और कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है हमें, हमें पहला ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो आपका पहला आपका उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।